नमस्कार अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिड़ मध्यम आलोचना करवा कि जौन संपर्क रखुले सावधान रुहतु कहीं आम जानते कि मसरे जी आम खाद्य खाती से खाद्यर बुंदाए बीजर उत्पत्ति होइथाय जे बीज आम शरीर को कार्यक्षम करने शक्ति जगे थाए जहाद्वारा आम प्रत्येक कार्य करी से ही बीज अकारण नष्ट होइथाय तेबे ताहार बहुत बड़ कुपरिणाम ये शरीर ही भोग करिथाय। कौन कौन घटी थाए शरीर क्षति आम जानवा आवश्यक अटे। प्रथमतः शरीर दुर्बल हो शरीर औजस्य रहा जेमिति पूर्वर शरीर देखा से पर देखा ना जौन संपर्क बारंबार रक्षा करने द्वारा एवं आखि तल कला पड़जा गाल भर को पशिजा जल्दी चुटी बाचिजा एवं त्वचा गुड़ाक सुखिला पर देखा एवं शरीरटा एत हृष्टपुष्ट देखा न जा भिन्न भिन्न कारण रही जदि आम कह ईश्वर आम को 60-70 वर्ष देख जदि ईश्वर आम को भूपृष्ठ को पठे था संसार किसी कार्य करने जौन संपर्क बारंबार रखा द्वारा आमर अजाणतरे 15 वर्ष नष्ट हो जाए। जानते कि जानते कहीं दि मिनट्र सुख आम जीवन आवश्यक थाए किंतु तार कुपरिणाम को आम बुझी पारंदिनी जहाद्वारा कि बारंबार आम से खुशी प्राप्त करने निजर जीवन को बलिदान दे था निजर शरीर को रोगग्रस्त करजर आयु को क्षय करी। ईश्वर आम को 60 वर्ष देखते किपर भाव 15-20 वर्ष नष्ट होता जमीती आपण बारंबार संपर्क रक्षा करने द्वारा आपण शरीर जिते बीज शक्ति नष्ट तद्वारा शरीर कौन हम जल्दी रोगग्रस्त हम जिते जल्दी रोगग्रस्त हम से जल्दी आम शरीर टी क्षय एवं बहुत जल्दी मृत्युवरण करमती देखा जाए यही कार्य करी अनेक शरीर आयु थाउ थाउ मरी जाती सदुपयोग जदि कराए ता उचित फल दब यदि सदुपयोग आम ठीक भाव न करवा तहार परिणाम स्वरूप आमको भोगवाक पड़ अर्थ शास्त्र एक लिखा जावल संतान सतति निमंदे गोटे थर जीवन से बीज को आवश्यक करवा मान निज जीवन अन्यथा कदापि केबे आवश्यक करवा ना कहीं यह बीज आम शरीर को कार्यक्षम करने जी शक्ति जगे थाए नष्ट द्वारा आम शरीर दुर्बल रोगग्रस्त हो जाए जिते जल्दी रोगग्रस्त हो शरीर कार्यक्षम हो पारना एवं अति जल्दी से बुढ़ाई अति जल्दी से जौन जो युवक शरीर टाक से त्याग कर मृत्युर से निकटवर्ती होदि आम कह कि शास्त्र लिखाई कि केवल संतान सतति निमंत व्यवहार करवा अन्यथा यदि आम कम क्रीड़ापी से जिनस व्यवहार करूचे तेब यह बेस्या सहित सामान एवं निज स्त्री को जी बेले आम शज्ञा संगीनी करूचे गोटे पुत्र किंवा कन्यार प्राप्ति निम्ते से समय आम ताक स्त्री बोली मान्यता देवा एवं परवर्त समय मातृतुल्य ज्ञान करवा कहीं प्रत्येक नारी होती मातृतुल्या देवी गोटे गोटे अंश से माने किंतु नारी मैंने एक बुझी पार ना आज समाज में जहाद्वारा कि प्रत्येक घरे आज देखा मिलूँ अशांति नारी मैंने जी चाहते घर शांति रुहता नारी मैंने जी चाहते परिवार खुशी आनंद हसी उठता नारी मैंने निजर सुख स्वच्छंद चाहवा जो स्वार्थ चाहवा जो घर आज पूरा मशान पलटी जा स्वामी थी स्त्री चाहूँ अन्य पुरुष सहित रहा एमती हो
पुरुष माने मध्य निज स्त्री सहित न रही अलग पुरुष सहित रोचान्ति जहाद्वर कौन हो आमर ये समाजटा जल्दी क्षतिग्रस्त एवं शांति आनंद दवा परिवर्ते यह आमको विनाश आड़ को टाणी नौ जानती कि यही जौन संपर्क आम कत क्षति पहुँचे थाए जानती जानवा आवश्यक अटे जदि आम सदाचरण पूर्वक व्यवहार कर शरीर अजस्य ररीर कार्यक्षम करने प्रेरित हम एवं शरीर से ऊर्जा रेक आम आवश्यकता थाए मृत्यु पर्यंत शरीर कार्यक्षम करदि यार व्यवहार ठीक भाव में न करती यह शरीर पर प्रभाव पकई थाए मन मस्तिष्क प्रभाव पकई थाए जहाद्वारा कि मन मानसिकता हर थाए जमी कौन से गोटे घटना घटीगले आम ठीक भाव डिसीजन ही नहीं पारानी एवं अस्तव्यस्त हो भूल डिसीजन नवा एवं भूल चिंताधारा प्रवेश करवा यह कामनाटा सृष्टि हुए केमिति ना प्रकृतिगत यहाँ आम यहाँ सोगत आम निजे कहानी यहाँ प्रकृतिगत प्रकृतिगत ये कि सी चाहती कि ईश्वर जे प्रकृति द्वारा कार्य करे भूपृष्ठ गोटे सतान दवा निम्ते सतान बोले सुसंतान एमती राक्षस सतान नुह जो मैंने कि आज राक्षस पाल्ट अर्थ राक्षस सतान कहार अर्थ जो मैंने बापा माँ को कष्ट दिखती पर अशांतिर कारण हूँ देश राष्ट्र अशांतिर कारण हूँ एवं निजर स्त्री था अन्य पर स्त्री पर आखि पकाती एवं मदपान इत्यादि ग्रहण करती ईश्वर तत्व को जो मैंने जानती ना से राक्षस सतान से मैंने जात हो एवं अपर पक्षे जी आम ठीक भाव में व्यवहार करवा तेब दिव्य सतान जात जो मैंने कि जगतर मंगल करे बापा माँ मंगल करे एवं ये समाजर मंगल करे सीटा केत संभव हो पार जितेबले आम सदाचरण पूर्वक व्यवहार करवा आम जिते मांस माछ खाइबे मध्य ताद्वारा आम भितर से कामना बासनार मध्य विचार आसी जाए थाए यदि से कामना बासना जब आम परिपूर्ण न करती तद्वारा आम शरीर मध्य रोगग्रस्त होता है भाव्य द्वारा मध्य शरीर रोगग्रस्त होता है ये आम जापारती ना जानवर आवश्यकता रही यदि आम यह विषय आलोचना करवा बहुत किसी आम कहीपर कहीं आज समाज को बहुत कु कुसंस्कार दे चलुचे कहीं द्वारा आम आज माँ भी ज्ञान करूना पशुतुल्य हो सारी कहीं पशु जोपरि माँ भी ज्ञान कैना जो से निजर कामना पूर्ति करपरी मनीष आज निजर माँ भी ज्ञान नक जो पशुतुल्य हो जाए निज स्त्री थी कौटी शाशु उपर आखि पड़े जोटा कि माँ तुल्य से माँ को मध्य से करने को चाहूँ कि खराब कथ समाज गोटे मनीष भितर दिव्य ज्ञान थाए मनीष भितर बुद्धि बेक सबकि थाई से यही कम करने के नीच स्तर को सी जाऊरी गोटे दिवर सहित भाज संबंध रखीदे जो कहुए माँ पुत्र से संपर्क से संपर्क रुना कहुए एमती आम सोशल मीडिया देखुचे भाई भौणी भितर हो बाप झीध कहीं सब हो कहीं आम शास्त्र को जानूने शास्त्र को मान जो समय जानवा से ज्ञान ग्रहण नक आम आल्टू फाल्टू जिनस माति जाऊे बर्तमान तो सोशल मीडिया एमती होगा कि फाल्टू जिनस देखा बहुत किसी कितु आमर मध्य भी विचार आसवा दरकार कि कौटा आम शरीर पर उपयुक्त आम जहाँ भी करम सतान पर सब किसी प्रभाव पकाचे आम जानवा दरकार आम खाली स्वार्थर एत मर्जी जाइए जे एवं शरीर सुखें एत मर्जी जाइए जे निचर नीचतर्म कर्म करुचे यार परिणाम स्वरूप आम पर भोगुं आम भोगुचे आम शरीर भोगुची मानसिक अवस्था विकारग्रस्त हो सबकि नष्ट हो मिलूर कि मिलूनी एथर मुक्त हवा भारी सहज कथा जदि ईश्वर आमको देखते आम एटा कौन सब कौन व्यवहार करवा कि ना कहीं आवश्यकता सबकि थाए जी लिमिट से व्यवहार करवा ठीक जदि तार अत्यावश्यक व्यवहार करती तेज खराब कहीं मेडिसिन अच्छी जदि ताकू ठीक उपाय में खाती तेज शरीर सुस्थ रदि ते बारंबार खाली खाती देह सुस्थ रहा शरीर रोगग्रस्त हे से हीपरी भाव गोटे मेडिसिन केवल संतान संतति निम्न यहाँ आवश्यक थाए अन्यथा यहाँ व्यवहार करने अनुचित यहाद्वारा आम समाज गोटे असुरिक प्रवृत्तिर संतान जात करुचे बर्तमान समय
जी ऊर्जा रहा दरकार मो शरीर से ऊर्जा ही रोना मन आकर्षण किपर मुक्त करें जानवा दरकार जितेबाला मनरे विचार सृष्टि हो कौन झीपति हूँ कौन पुप्रति हो बस भाव दरकार कि मनरे मो क्या प्रति आकर्षित हो जो शरीर में मलमूत्र भरी रही कफ बांति रही भरी रही जो शरीर रक्त मांस हाड़ भरी रही मो शरीर को आकर्षित हो संसार ये अमूल्य ज्ञान थाई अमूल्य थाई मो क्या प्रति आकर्षित हो पोचे जिनस प्रति मन को सब सत्यता जनवा दरकार आ द्वारा कौन हम मन जानव अरे हाँ तो मुझ क्या प्रति आकर्षित हो जो छोट जिनस संसार एत बड़ जिनस प्रति आकर्षित हो मन जानव सत्यता आम मन को सत्यता ही जनाऊने जहाँ द्वारा भितर ये भावना ही आसूम आउ गए जी कथा कह यदि आम समस्ती मातृतुल्य ज्ञान करती तेरे भावना आसब कि जमा आसबना जदि आम समस्त ईश्वर तुल्य ज्ञान करती जब आम कह समस्ते हुए ईश्वर तुल्य ज्ञान करवा दर कहीं समस्त भितर से चेतना ही अच्छा शरीर सीना आम देखिए कहे तोर मोर बोली प्रकृति शरीर भितर किए कार्य कर परम पिता अच्छा आम भितर जो भावना से सब देखुं ना ना ईश्वर प्रत्येक क्षण देखुं मु कौन करुच्ची कौन न करुच्ची कौन भावुची कौन न भावुच्छे से सब किसी जानूंट मुझे एत सब कुकर्म करुच्ची ईश्वर कौन जान नए परवर्त समय से सब अनुधान करेंगे तेज से मतलब कौ जन देवे आ मनुष्य जन्म देवे देवे ना कहीं मनुष्य जन्म कर्तव्य जहाँ मुझे बुझिली ना एवं मनुष्य जन्म श्रेष्ठता को बुझिली ना जो ना से निजर स्वार्थ को पूर्ति कली एवं मनुष्य जन्म को उचित भाव में काटेली ना कहीं पशुपक्षी जहाँ कर मनुष्य जी ता कर पशु जन्म पाइबार से योग्य अटे ना तो निश्चित भाव आप बुझे यहाँ बहुत बड़ा खराब जिनस समाज को बहुत खराब प्रभाव पकाए शरीर को बहुत बड़ा खराब प्रभाव पकाई थाए घर अशांति सृष्टि करें आम ये संयम करदे जीवन शांति खुशी आनंद पूरा चिरंतन भरी र तो निहाती भाव आप ब्रह्मचर्य ही पालन करूँ आउ गए कथा मुझे कही रखे जो झील मैंने जो पुओ मैंने बहुत पूर्व ब्रह्मचर्य क्षय कर मन रखु आपत जो भविष्य में संतान निर्माण करेंगे से केवे भी दिव्य संतान हो जन्म हम ना असुरिक प्रवृत्तिर सतान जन्म नब यह आमर कहुच कि यदि बहुत पूर्व बीज नष्ट करती निर्माण करा सतान गुड़िक उपयुक्त संतान ही ना केतक संतान देहरे रोगग्रस्त आसी जाए था केतक संतान गुड़ाक अंग भंगी ठीक ठाक न थाए संतान गुड़ा जात होता संतान गुड़िक भितर धैर्य न थाए सहन शक्ति न थाए जहाद्वारा कि आत्महत्या करती डिप्रेसन को कम दिन चली जाती कौन से घटना घटले बारंबार से भावनी बहुत किसी कुपरिमाण सतान पड़ थाए आम यहाँ बुझा दरकार आम बुझुने जहाद्वारा कि आम ये सब कर्म करुचे यदि बहुत पूर्व बारंबार से जिनस कराए संतान उत्पत्ति निम्ते आम आवश्यक हम से उपयुक्त बीजर शक्ति नो बीजर शक्ति न थाए से बीजे उत्पन्न होता शिशु गुड़ाक रोगग्रस्त हो जन्म हमें विकलांग हो जन्म हमें मानसिक स्थिति ठीक न थाए से पगल मेन्टालीटी देखिए जन्म हमें एवं केतक स्तर में भिन्न भिन्न आकृतिर जन्म हमें केवल बीजशक्ति क्षय हवा द्वारा एवं कहुए संतान उत्पत्ति निम्ते आम जिते बड़े प्रस्तुत होते तो सदाचरण पूर्वक करने दरकार बापा मान निजर कामना पूर्ति करके से जिनसा करवा उचित नुहे कहीं आम जीवन थे मात्र संतान उत्पत्ति करुचे गोटे पुह कि गोटे झी हूँ हाँ आम तो दु तीन टाइम जन्म करे ठीक अच्छे कितना आम जहाँ जन्म से गोटे ना से गोटे जिते आम जन्म करुक्त भाव में या आवश्यकता रही आमे केते बेले कहा जाए कि आमे जिते बेले से जिनसा उत्पत्ति करुचे विधाता से समय से भाग्य निर्धारण करती कहा जाए माता पिता संयोग काले बीजा लेखिला कपाड़े माता पिता किपरी भाव में मनोभाव रखुंट किपरी भाव से समय त्याग रोचे समाज प्रति कौ मनोभाव रोचे निज प्रति कौ मनोभाव रोचे ईश्वर प्रति किपर मनोभाव रोचे सबकि ईश्वर भाग्य निर्धारण करतानीटर ये अमूल्य जिनस अच्छी आम एत छोट केमती पारे मनुष्य भितर मानविकता कुआडे हजी हजी जाइए कहीं से निज स्वरूप को जानूनी से ईश्वर गोटे प्रतिमूर्ति बोली से कहीं निज ज्ञान करूनी कहीं छोट छोट खुशी से खुशी हो कहीं विराट बड़ खुशी से प्राप्त करूनी आपत जानते कि आप प्रकृत स्वरूप ही प्रकृत खुशी अच्छी
चिरंदन खुशी अच्छी आप जानते कि जानते कहीं क्षणिक सुख में तो आप हजि मजी जाइंस ना कौटे खाइबा कौटे शारीरिक सुख कौटे पिंधा इत्यादि कि तार ऊर्धर श्रेष्ठ संसार सुख अच्छी आप जानते जहाँ को प्राप्त कले जीवन में किसी था कि न था आनंद ही रही आपन जी बुझीपारे निहाती भाव मोर विनम्र अनुरोध कि आप निजर शरीर को सुरक्षा दिंतु निजर पर मंगल करूँ कहीं आम ये शरीर को आसीचे गोटे जो संसार को आसीचे गोटे शरीर धारण करें क्या जीवन आनंद आनी पारानी तो दुखर कारण कौन पर हाँ पर कहीं अशांति सृष्टि करवा सामान्य जिनस आम गोटे पर बिगड़ी दूचे ये सामान्य जिनस गोटे पर छिन भी नहीं होती से दोष कौन थी कौन पर क्षतिग्रस्त कराइबे कौन पर आप क्षणिक सुखपी गोटे पर छिन्न भिन्न करदे एमती देखा नारी मैने क्षणिक सुखपी निजर स्वामी पिला को मध्य त्याग कर दौंस कहीं नारी मैंने तुम्हें करु कौन मिलू तुमको ए शांति कि आनंद तुम प्राप्त करु ए भाव दरकार कि मु मात्र जो थे आकर्षित होता भल पाइबा के नुह भल पाइबा तो सीए आम जहाँ को चाह था अर्थ से परम सत्ता को आम चाह था आम क्या भल पाई था कि प्रकृत में आम देखा आम देखा से परम सत्ता को हम भल पाई था वर्तमान समय रे आम जो भल पाइबा को गोटे शारीरिक आकर्षण से आकर्षण मनुष्य आकर्षित होकर भिन्न भिन्न कुकर्म करुच्ची निजर स्त्री स्वामी थी निजर पिला स्वामी थी से अन्य पुरुष सहित पलाऊँच केवल भल पाइबा कहुनि से केवल आकर्षण ही कम हो एमती मतलब पुरुष मैंने जहाद्वारा कि गोटे पर छिन्न विच्छिन्न हो जाए कौन मिलूँ एथर जीवन आसीचे शांति हिसाब से आनंद हिसाब से बचा यह कर्म कले कौन भावुंत आमर किसी पुण्य हो जाऊँ कि शारीरिक खुशी आपन जी भावुंत खुशी तुम्हें बहुत बड़ पाप कहा जाए भागवत से भागवत अच्छी जो आम अन्था रति करूचे स्त्री सहित से बेसिया तुल्य हो जाए सेटा हूँ गोटे पाप पर स्त्री सहित कम कले पाप नुह कि विराट बड़ पाप बुझी ना दरकार परवर्त समय मनुष्य शरीर आपे जमा यह कर्म कले उच्चतर कर्म करूँ श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करूँ जीवन में श्रेष्ठ हिसाब से बचे ब्रह्मचर्य आपन पालन करूँ कहा जाए कि किसी लोक कहते कि ब्रह्मचर्य आम केमी पालन करूँ केमी पालन कर आवश्यक ना गोटे दिन मात्र चेष्टा कर ब्रह्मचर्य पालन करने मन खराब विचार आने भी ना कि शरीर कौन से प्रकार से भाया हावभाव करना दिन रु दिदिन करूँ दिन तीन दिन करूँ एमती करस मस वर्ष वर्ष हो पार असंभव किसी नुह मनुष्य सब संभव कर कहीं सी हूँ श्रेष्ठ जीव ज्ञान से रहा दरकार ज्ञान न रहा जो आम ये कर्म करी आप बुझीपारे निहाती भाव आप बुझु निज को बुझु निजे किए से स्वयं को जानतु पर सुख शांतिर कारण हूँ एवं समाज मंगल करूँ निज शरीर को छिन्भिन करूँ ना पर क्षतिग्रस्त करूँ ना निज शरीर को क्षतिग्रस्त करूँ ना निजर आय को क्षण करूँ ना प्रत्येक जीवन मिनिट हो बहुत किसी कहीं आप गुड़ा नष्ट कर क्षणिक सुखपी मनीष आज के तौक जाते भाव दरकार गोटे पशुतुल्य हो मनीष आज केवल ये कुकर्म करा जो मनुष्य मनुष्य पुणे केवे जाग्रत हम जिते बे निजुक जानव शास्त्र इत्यादि पठन कर बुझीपाई थे ये भिडटे की आपण मैंने सतर्क सजग रुंतु आनंद हिसाब से बचत रोचे नमस्कार।